ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बहुत तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। ट्विटर पर भी ये वीडियो डाला गया है। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप इसकी झलक देखें। जी, आप हम लोग को सर्व करने के लिए यहाँ पे हैं, न कि हमारी बेइज्जती करने के लिए। आप एकदम ड्यूटी सिखाऊंगा मैं। निकालो, निकलो तुम यहाँ से। आपने देखा कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है जो जवान को किस तरह धमका रहे हैं। इनका आगे पूरा वीडियो दिखाता हूँ और दिखाने से पहले चंद एक बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों को ऊपर तक पहुंचकर इस पद से हटाया जाए। उसके अलावा हमारा ये चैनल जो बना हुआ है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, अगर आप चाहते हो कि ऐसे किसी भी सरकारी महकमे में कोई भी किसी के साथ इस तरह का बर्ताव करता है किसी जवान के साथ, क्योंकि ये अपने आप को आज भी अंग्रेज माने बैठे हुए हैं, ये रिटायर्ड होकर ECS के इंचार्ज कर्नल इंचार्ज हैं, लेकिन वहां अभी भी क्योंकि वर्दी इनको दी हुई है और वो वर्दी की बू इनके अंदर से जाती नहीं है। तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए ये चैनल बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस चैनल से जुड़े और हमारी ताकत बने। जुड़ने के लिए जो लाल दिया हुआ है नीचे सब्सक्राइबर का लाल बटन, इसको दबाए और ये साथ में बेल आइकॉन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हमारा आपके पास पहुंच सके। उसके अलावा ऐसा कोई भी वीडियो आपको लगता है कि भाई आपके साथ या किसी आपके आसपास में ऐसा कोई अत्याचार हो रहा है कहीं भी डिपार्टमेंट में, तो ये मेरा नंबर है 8295345413। इस नंबर पर आप मुझे सूचना दे सकते हैं कि सर ये हो रहा है और इसको आप चैनल में डालिए। उसके अलावा इसके मेंबर बनने के लिए ऑलरेडी एक ज्वाइन बटन भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन बटन से इसके मेंबर बन सकते हो। नॉर्मल आपको जुड़ना है तो सब्सक्राइबर करके सदस्य बन सकते हो, लेकिन हमारे टीम मेंबर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन से आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हो मंथली के तौर पर। अगर इससे नहीं होता तो मैं हमेशा की तरह मेरा नंबर दे रहा हूँ, ये 8295345413। ये मेरा फोनपे गूगल पे पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है और ऊपर मेरा 612-642-33-600 SBI का अकाउंट है, IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से। जिन लोगों को लगता है कि भाई हमें चैनल से जुड़ना चाहिए, लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हक हमें चाहिए, तो हमारी ताकत बनने के लिए आप इसमें भी अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हो और व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेज सकते हो कि सर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपकी सहायता भी करता हूँ। बाकी वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक वीडियो आया है एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का जो कि जवान को किस तरह तू तड़ाके से बोल रहे हैं, गेट आउट हो जा, यहां से बाहर निकल जा, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, वर्दी पहनी हुई है, क्योंकि कई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां ECHO या CSD हो, इनमें री एम्प्लॉय के बाद में भी इनको वर्दी पहनने का अधिकार दिया हुआ है। और ये वर्दी पहनने का मतलब होता है जो आपने रैंक लगाया हुआ है वो रैंक आपकी इज्जत देने के लिए कि लोग आपकी इज्जत करें, लेकिन इज्जत उसी को मिलती है जो दूसरों की इज्जत करता है। लेकिन ये फौज के अंदर भी बहुत से लोग अपने आप को अंग्रेज मानकर ही चल रहे हैं, जैसे अंग्रेज जनरल डायर वगैरह वो थे ना, आज भी कुछ उसकी DNA मिक्स औलाद यहां छोड़ गए जो जवानों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इस श्रीमान जी ने भी बल्कि रिटायर्ड होकर बैठे हैं और रिटायर्ड जवान का अधिकार है कि वो अपने इलाज के लिए वहां जाए और वहां बातचीत पूछे, लेकिन ये जवान ने अगर ऐसा कुछ पूछ लिया तो उसको बोलता है भाग जा यहां से, तू निकल जा यहां से। मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी जिसके अंदर बू है कि मैं ये हूं फलाना हो, उनको घर बैठाया जाए। इनकी बोलचाल से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि इन्होंने अंदर भी कैसी ड्यूटियां की होंगी। इनको पद से हटाया जाए। मैं चाहता हूं वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं नहीं कहता कि सारे खराब हैं, बहुत से अच्छे अधिकारी हैं जो रिटायर्ड ऑन सर्विस में भी, रिटायर्ड होने के बाद में भी जवानों से बहुत प्यार से, जैसे हमारे खुद यहाँ ECS के जो कर्नल साहब हैं, पूरी हमारे क्षेत्र में नाम है कि वह क्या काम करते हैं। मैंने एक बार और भी किसी ECS के कर्नल का वीडियो डाला था, जिनके लोग कहते थे कि यार कर्नल साहब आने के बाद में बल्कि अपना ECS के काम के अलावा भी लोगों के काम करते थे, समय निकालकर उठकर आते थे, किसी की समस्या आती थी उनको हल करते थे। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग भी हैं
जिनके अंदर बू नहीं जाती हो अंदर वाले की मैं अफसर हूं। समझ में नहीं आता, मैंने सियोल में भी देखे हैं आईपीएस अधिकारी वगैरह भी, हमारे सेना में भी, कंधे पर रैंक लगना और एक सीनियर रैंक में पास पहुंचने के बाद जैसे जैसे उम्र दराज होता है आदमी, उसके व्यवहार में परिपक्वता आनी चाहिए। लेकिन कुछ एक तो नए नए जो रैंक लगाते हैं उनके अंदर तो गर्मी आती है रैंक की, लेकिन कुछ एक पुराने होने के बाद में भी वो अपनी इस तरह की घटिया हरकतें नहीं छोड़ते पब्लिक के साथ। जैसे कुछ दिन पहले एक मैंने देखा कि एक आईपीएस अधिकारी किसी आम पब्लिक के साथ तू तड़ा कैसे व्यवहार कर रहा था, यहां से भाग जा फलाना। तो ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप इस रैंक पे पहुंच के भी वो गधे वाली हालत जो करते हो ना, कि गधा पढ़ लिख जाए लेकिन वो लात मारना नहीं छोड़ता, अपनी औकात नहीं भूलता, तो वो जो रैंक लगाने के बाद जो रॉयल्टी आनी चाहिए उसमें जो अधिकारी के गुण आने चाहिए वो गुण नहीं आते। वो या तो कहीं ना कहीं यह होता है कि पैसे के बलबूते पर या इधर उधर से सिफारिश के बलबूते पर जो लोग भर्ती होते हैं ना, फिर वो अपने आप को ऐसे ही लोग समझते हैं। मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो वहां बैठा है वो एज ए पब्लिक सर्वेंट है या गवर्नमेंट सरकारी नौकर है, आपको वहां बैठाया गया है कि आप उस एडमिनिस्ट्रेशन को देखें और लोगों का भला करें, वहां बाप बनने की कोशिश ना करें। बाप बनना है तो अपने घर के अंदर रहो और वहां अपने बच्चों पर हुक्म चलाओ। हमारे जवानों से कहता हूं ऐसी कोई भी चीजें आती हैं तो मेरा क्या समझ रहे बात सुनने की बजाय आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम क्यों बोल रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों आया? आपसे बात करने आया था मैं, गुड मॉर्निंग बोला आपको? नहीं बोला आप गुड मॉर्निंग? बिल्कुल बोला, झूठ बोलता है, बिल्कुल बोला, झूठ बोलता है सर, झूठ बोलता है। पहले आप तमीज से बात कीजिए, झूठ बोलता है, पहले आप तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात। आप हम लोग को सर्व करने के लिए यहाँ पे हैं ना कि हमारी बेइज्जती करने के लिए? आप एकदम ड्यूटी सिखाऊंगा मैं, निकालो, निकलो तुम, निकलो तुम यहाँ से, तुम आप, आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। तुम यहाँ से निकलो, मुझे तुमसे नहीं सीखनी है, चल निकल। तुम तरीके से बात कर, तुम्हारी बोला नहीं।